सो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बनाया गया है इस टॉपिक पर कि अच्छा डिस्क्रिप्शन और अच्छा टेक्स्ट कैसे ढूंढे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हम अच्छा डिस्क्रिप्शन और अच्छा टेक्स्ट क्यों ढूंढते हैं, ताकि हम अपना वीडियो को सर्च में ला सके सिंपल। लेकिन गाइस, मेरे पास ऐसे तीन तरीके जिससे आप अपने वीडियो को सर्च में ला सकते हो। पहले दो तरीके है डिस्क्रिप्शन को ढूंढने के, ठीक है, जिनसे आप अपने वीडियो को सर्च में ला सकते हो, तो वो दो पॉइंट अपन बताएंगे। लेकिन एक तीसरा पॉइंट और है जो कि सिंपल सा कोड है गाइस, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। बाकी वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि दो कौन से तरीके जिससे कि अपन डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट ढूंढ सकते हैं। पहला तरीका बहुत आसान है, लेकिन दूसरा तरीका पहले से भी आसान होगा। खैर पहला देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी सर्च करना है उसका सिर्फ आधा ही लिखना, ठीक है। जैसे मैं हाउ टू ही लिखूंगा, अगर कोई आपका टॉपिक आ जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर नहीं आता है तो थोड़ा और आगे लिखो। जैसे मैं लिखता हूँ हाउ टू ग्रो, अब यहाँ पर देखो गाइस आ रहा है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, वरना मैं आगे और लिखता हूँ, ठीक है। जैसे हाउ टू गेट, तो यहाँ पर देखो ये गाइस वीडियो आने लग गए हैं, मतलब जो भी सर्च है वो आने लग गए, ठीक है। अब इनका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और अपने गूगल में कॉपी करके, टेक्स्ट कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्री फायर, ठीक है, तो फ्री फायर से रिलेटेड जितने भी आते हैं आप यहाँ से ले सकते हो। वरना जैसे आमतौर पर मेरे जैसे क्रिएटर XML प्लस क्लिप बनाते हैं तो वो भी आ जाता है। अभी चलते हैं दूसरे वाले की तरफ, ठीक है। उसका नाम है रैपिड टेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये पहली वेबसाइट है। अब यहाँ पर सिंपली आपको अपना जो भी है लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर है, जैसे मैं लिखता हूँ हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइब, तो इससे रिलेटेड जो भी आएगा YouTube में, जो भी लोग सर्च करते हैं वो सब यहाँ पर आ जाएगा। ये गाइस ये तरीका सबसे शानदार है, सबसे जेन्युइन है, और जल्दी से जल्दी अगर वायरल होना है ना तो यही तरीका अपनाना गाइस, सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब जैसे मैं यहाँ पर फ्री फायर लिखता हूँ, ठीक है, तो फ्री फायर से रिलेटेड जो भी लोग सर्च कर रहे हैं वो आपके सामने हो जाएगा और बहुत सारे रिजल्ट देता है ये वेबसाइट, सबसे ज़्यादा बेस्ट है गाइस। चलते हैं तीसरे वाले की तरफ। तीसरा और सबसे फाइनल पॉइंट जो कि डिस्क्रिप्शन ढूंढने से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये पॉइंट गाइस आपके बहुत ही ज़्यादा काम का हो सकता है। जैसे मान लो आप जैसे अब नए वीडियो बना रहे हो, ठीक है, आपका चैनल अभी डायरेक्ट सर्च में नहीं जाता है, ना तो आपका चैनल जाता है ना आपकी वीडियो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको टाइम जो कि डिस्क्रिप्शन ढूंढने से आपका चैनल जो है सर्च में आने लग गया है, फिर धीरे धीरे आपके वीडियोज भी आने लग जाते हैं, लेकिन आपके वीडियो भी धीरे धीरे सर्च में आने लग जाते हैं। लेकिन वो कैसे होता है गाइस, जब आप एक ही कैटेगरी में बने रहते हो ना, जैसे मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, ठीक है, तो आज मेरे ट्यूटोरियल में काफी सारे आप सर्च करते हो तो मेरे ट्यूटोरियल आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ, मैं ट्यूटोरियल के जाना जाता हूँ, ठीक है। तो वैसे अगर आप एक ही कैटेगरी को जो है मेंटेन करते हो ना, तो आपके उसी में फिर सर्च आने लग जाते हैं। जैसे भैया कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे मेरी ट्यूटोरियल में व्यूज आते हैं और सर्च में भी आता है, ठीक है, लेकिन आजकल मैं यूट्यूब के अलग वीडियोस बना रहा हूँ तो वो अभी मेरे सर्च में नहीं जा रहे, लेकिन मुझे पता है कि मैं धीरे धीरे वो सर्च में जाने लग जाएंगे, क्योंकि मैं रोज वो बनाऊंगा तो धीरे धीरे वो भी जाने लग जाएंगे। बात सिंपल है गाइस। तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको एक ही कैटेगरी मेंटेन रखनी है जिससे कि आपकी वीडियो सर्च में जाने लग जाए। तो आज के लिए बस यही तीन पॉइंट है। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय दोस्तों।